कड़ी निंदा चल रही है भाई, बहुत सारे कड़ी निंदा चल रही है। काफी सारे लोग अगेंस्ट है इस चीज के। ऑलरेडी मजाक उड़ना शुरू हो चुका है, सस्ता वर्जन कहा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। आई इनफैक्ट आप लोगों को पता है ऐसा सेम चीज हीथ लेजर के लिए भी कहा गया था, बेन एफ्लेक के लिए भी कहा गया था, एंड गॉड नोज कितने सारे एक्टर्स के बारे में कहा गया था। हाँ, रॉबर्ट पैटिंसन के बारे में भी कहा गया था। पर एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो उनकी क्लास है, जो उनकी एक्टिंग क्लास है, बहुत एवन है, और वो अपने कैरेक्टर्स में काफी अच्छे लगे थे। हाई गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी। मेरा अभी बार द्वार एंड एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। सो रिसेंटली जेम्स गन ने अनाउंस कर दिया कि सुपरमैन लेगेसी में कौन कौन प्ले करने जा रहा है, सुपरमैन एंड लोइस लेन, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ना सिर्फ सुपरमैन के बट डीसी के ओवरऑल। डीसी कॉमिक्स नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज डिटेक्टिव कॉमिक्स कॉमिक्स थोड़ा अजीब लगता है सुनने। तो सुपरमैन की कास्टिंग हो चुकी है एंड हम सबको एक चीज का तो काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि हेनरी कैविल अब हमारे बीच में नहीं रहे एज सुपरमैन, मतलब जिंदा है बट एज सुपरमैन नहीं रहे। सुपरमैन की यहाँ पे कास्टिंग हो चुकी है एंड एक्टर का नाम है डेविड कॉन्सवेट। एंड पहले मैं सोचते मैंने रिसर्च करा था कौन है। सी, कमाल की बात है, काफी लोग ऑलरेडी चाह रहे थे कि ये सुपरमैन बने एंड एक्चुअली ऐसा हो भी गया, इंक्लूडिंग आशीष चंचलानी भैया। मैंने उनका पोस्ट देखा था ट्विटर पे एक दिन पहले कहीं एंड वो कह रहे थे कि ही पर्टिकुलर वॉन्ट्स कि डेविड को रोल मिले सुपरमैन का एंड नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी कि डेविड इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले सुपरमैन। एंड एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, वो थोड़े बहुत लगते हैं यार यंगर वर्जन ऑफ हेनरी कैविल, बट ही इज नॉट हेनरी कैविल। हेनरी कैविल ब्रिटिश है, डिफरेंट एक्टर हैं, डिफरेंट ह्यूमन बींग है, वेयर डेविड कॉन्सवेट एक यंग एक्टर है और अमेरिकन। बट अब मैं इनके ऊपर जब रिसर्च करनी शुरू करी तो मैं सोचा देखो नए एक्टर हैं, ज़्यादा इनको काम नहीं मिला है। बट 2020 में मैंने एक शो देखा था, उसका नाम है हॉलीवुड, उसमें जिम पार्सन्स है, वही जिम पार्सन्स जो कि बिग बैंग थ्योरी में हम सबके फेवरेट कैरेक्टर शेल्डन का रोल प्ले करते हैं, उसमें उन्होंने काइंड ऑफ एक एंटागनिस्ट का रोल प्ले किया था, शेल्डन मतलब जिम पार्सन्स, लेकिन डेविड उसके मेन एक्टर थे। सो हाँ, मैं उनकी परफॉर्मेंस देखी है, अगर आप लोगों उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो ये शो नेटफ्लिक्स अवेलेबल है हॉलीवुड, जाके आप चेकआउट कर लेना। कास्ट हो चुके हैं डेविड कॉन्सवेट को एज सुपरमैन, अब ये सुपरमैन बनी रहे। तो जेम्स गन ने ऑलरेडी कहा था कि एक नए सुपरमैन की तलाश चल रही है जो कि यंगर एक्टर होगा, एंड मैंने कहा था प्रॉब्ली समवन हुज इन थर्टीज, अर्ली थर्टीज, एंड अनाउंसमेंट हो गई तो प्रॉब्ली ये मूवी जब तक रिलीज होगी 2025, ही इज गोइंग टू बी 30 दिस ईयर, जुलाई उनका बर्थडे है, जुलाई 8 को आने वाला उनका बर्थडे, सो 30 हो जाएंगे तो जब तक मूवी रिलीज होगी ही विल बी 32। सो अभी भी उनके पास टाइम है कुछ 20-25 साल सुपरमैन प्ले करने का। बट अगर हेनरी कैविल की बात की जाए तो वो भी अपने 40s में ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं 10 ईयर्स का। सुपरमैन का रोल अभी भी हेनरी कैविल इजिली पोर्ट्रे कर सकते थे अगले 15-20 साल तक। यार आनंद सुभाष नगर ने भी टर्मिनेटर 3 में अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी डेवलप कर रखी थी जो कि उस टाइम 50s में थे अपने, तो हेनरी कैविल भी अपनी बॉडी अच्छी खासी लेकर जा सकते थे अपने 50s में भी। बेसिकली पॉइंट ये है कि जस्टिस लीग अगर बनाई जाती विद हेनरी कैविल अगेन मे बी 10 ईयर्स लेटर, तो हेनरी कैविल सुपरमैन बन सकते, उसको रिबूट कर देते। 10 ईयर्स तो अच्छा खासा टाइम है यार। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी अपने 50s तक प्ले किया था आयरन मैन को, उसका न्यू कैरेक्टर को रिटायरमेंट दी थी। सिमिलरली हेनरी कैविल को भी यहाँ पर रिटायरमेंट मिल सकता था, बट एनीवे नहीं मिला, कोई बात नहीं। बात करते हैं लोइस लेन के कैरेक्टर के बारे में। लोइस लेन का रोल यहाँ पे प्ले करने जा रही है, एक्चुअली एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, एमी अवार्ड भी जीत चुकी है, एंड क्या बहुत ही फेमस शो है अमेज़न प्राइम पे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। उस शो का नाम है द मार्वल मिसेस मेज़ल। मैंने शो देखा है, काफ़ी अच्छा है। स्टोरी है 1950s में एक औरत की जो कि एक शादीशुदा औरत है, एक ज्यूइश अमेरिकन है, एंड वो कैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जाके बनती है। अच्छा शो है, आप देखना, आपको लोगों को पसंद आएगा। और इसके साथ मैंने इनको पहले देखा होता हाउस ऑफ कार्ड में, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था बट हाउस ऑफ कार्ड में भी आ चुकी है। बात हो रही है यहाँ पे रेचल ब्रॉसनहैन की। सो ये कुछ अपने अभी 30s में, शी इज़ 32, जब मूवी रिलीज होगी जब तक ये 35 हो जाएंगे, शी इज गोइंग टू बी 33 नाउ, 35 हो जाएंगे, बट ठीक है, लोइस एंड सुपरमैन की एज आसपास की ठीक ली गई है। सो बेसिकली अब जेम्स गन का प्लान ये है कि एक यंग कास्ट को वो लेके जाना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट काफ़ी लंबे टाइम तक सुपरमैन प्ले कर सकते हैं। मेरे को अभी भी लगता है हेनरी कैविल प्ले कर सकते थे, एंड सी हेनरी कैविल के साथ हमारे इमोशन जुड़े बिकॉज हेनरी कैविल इस सदी के क्रिस्टोफर रीव हैं, मतलब बीच में ब्रैंडन रूथ भी आए, टायलर हॉकिंस, काफ़ी सारे डिफरेंट एक्टर्स आए हैं, बट हेनरी कैविल हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए थे। उनकी एक्टिंग तो देखिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एक्टर है वो अनडाउटली। मैन ऑफ स्टील हो गया, बैटमैन सुपरमैन हो गए, जस्टिस लीग को तो काउंट ही नहीं करना चाहिए, जस्टिस लीग हो गई, स्नैक स्नाइडर जस्टिस लीग, एंड ब्लैक एडम में उनका छोटा सा हमने केमियो देखा था। उन्होंने जितना भी अपना पार्ट प्ले किया काफ़ी अच्छा प्ले किया, वो एक्टर तो गजब है ही है, ह्यूमन भी बहुत अच्छे, उनके बारे में तारीफ होती है, एंड वो सुपरमैन हम लोगों के दिल में काफ़ी पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सुपरमैन का इतना कभी बड़ा फैन नहीं था, कभी भी नहीं, बट जब मैन ऑफ स्टील देखी थी तो एक्चुअली मैन ऑफ स्टील के बाद मुझे हेनरी कैविल सुपरमैन पसंद आया। सो मैं सोचा चलो ठीक है, एक अच्छा सुपरमैन बन के आया तो सुपरमैन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ और था, फेट ने डिसाइड किया हुआ था। काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है, बेन एफ्लेक, एंड्रू गारफील्ड, हेनरी कैविल एंड और भी मल्टीपल ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बेटर डिजर्व करते थे बट उनको वो नहीं मिल पाया जो कि वो जैसे मैंने आपको डिजर्व करते थे। बट पता है
मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ना, आई पर्सनली थिंक 5-10 years लेटर मे बी इन्फिनिट क्राइसिस कुछ होगा, कुछ तो ऐसे यहाँ पे इवेंट्स होंगे जहाँ पे हेनरी कैविल को वापस लेके आया जाएगा, बेन अफ्लेक को भी वापस लेके आया जाएगा, रे फिशर को भी लेके आया जाएगा, गाल गैडोट भी वापस आएंगी, एंड जो ओरी जस्टिस लीग वाली टीम है ना वो वापस लेके आया जाएगा, कुछ ना वो मल्टीवर्स करेंगे। एंड देखिए यार, ऑब्वियसली बात है कि जब किसी पुराने एक्टर को लेके आया जाता है तो वो मूवी पैसा कमाती है। फ्लैश की बात अलग है, उसमें माइकल कीटन वापस है, माइकल कीटन बहुत कमाल के लेके आए थे मूवी में, बट फ्लैश का केस थोड़ा हम डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द हेट जो मूवी को मिला है इज ऑल बिकॉज ऑफ एज़्रा मिलर। अपार्ट फ्रॉम दैट CGI सेकेंडली एक इशू रहा है मूवी का, बट लोगों को मूवी पसंद है। अगर इमेजिन करिए उसमें CGI ठीक होता, एज़्रा मिलर का जब कोई और एक्टर होता, या फिर एज़्रा मिलर ने वो सारे कांड नहीं किए होते, डेफिनेटली इस मूवी को पसंद किया जाता। बट खैर, जो है सो है। सो होप हम अभी रख सकते हैं कि कुछ सालों में मे बी जस्ट फॉर वन सिंगल मूवी हेनरी कैविल सुपरमैन हमको 5-10 years डाउन द लाइन हमको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली बेन अफ्लेक एंड बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, या फिर बाकी जितने भी एक्टर्स हैं जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स यहाँ पर प्ले किए हैं, उनको हमको देखने का मौका मिलेगा इन फ्यूचर। बट अभी बात करते हैं हम सुपरमैन लेगेसी। सो सबसे पहले जो यहाँ पे बातचीत चली वो निकोलस होल्ट की थी। निकोलस होल्ट वही जिन्होंने 20 करोड़ प्ले किया था ना एक्समैन फर्स्ट क्लास एंड एक्समैन जो नई वाली सीरीज थी। मुझे तब भी लग रहा था कि निकोलस होल्ट तो देखिए सुपरमैन नहीं प्ले करेंगे, मुझे पता नहीं फील आई उनको देख के सुपरमैन वाली फील आ नहीं थी। लेकिन डेविड कॉन्सन की अगर बात करें तो डेफिनेटली यार वो लगते तो हैं सुपरमैन जैसे, और कुछ फोटोज भी अब बाहर निकल के आनी शुरू हो गई हैं जिन्होंने यहाँ पे फोटोशॉप करके सुपरमैन का फेस मतलब कुछ तरीके से बनाया गया, तो अच्छा तो लग रहा है वो। एंड हाँ, वो एक बात हम एग्री कर सकते हैं कि हेनरी कैविल का एक यंगर वर्जन लगता है डेविड कॉन्सवर्ट, एंड मे बी हो सकता है देखिए सुपरमैन की एक फेस हमेशा हमारे दिमाग में रही है, एक क्लीन फेस, सिंपल वर्जन, एक क्लीन फेस होना चाहिए सुपरमैन का। और हम श्योर कि यहाँ पे डेविड कॉन्सवर्ट या फिर कॉन्सवर्ट जैसा भी उनका नाम प्रोनाउंसिएशन है, उनका क्लीन फेस है, वो सुपरमैन वाले एक फेस एक लुक तो देते हैं। अब बात करते हैं बैटमैन की, ब्रेव एंड द बोल्ड। तो अभी मैंने जेम्स गन का एक अभी रिसेंटली एक ट्वीट देखा, जेम्स गन ये कहते हैं कि अभी ब्रेव एंड द बोल्ड में बहुत लंबा टाइम है, परहैप्स इस साल के एंड तक या अगले साल तक अनाउंस किया जाएगा कि बैटमैन कौन पोर्ट्रे करने वाला है। बट सिंस ब्रेव एंड द बोल्ड आई थिंक 2026 में रिलीज हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 के इस टाइम तक अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि मिड ऑफ 2024 तक अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन नेक्स्ट बैटमैन होने वाला है, कौन नेक्स्ट रॉबिन होने वाला है, कौन नेक्स्ट कैटवुमैन, कौन नेक्स्ट बैटगर्ल, जो भी बैटमैन फैमिली उसमें ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश कर दी जाएगी। और सिंस यहाँ पे एक यंगर सुपरमैन को लिया गया है, तो यहाँ पे एक यंगर बैटमैन को भी लिया जाएगा, यंगर बैटमैन एक्टर को भी लिया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने लेट 30s या फिर अर्ली 40s में होंगे। जैसे बेन अफ्लेक उस टाइम पे भी 44 के अराउंड थे, अर्ली 40s में थे जब उनको आज बैटमैन अनाउंस किया गया था, बट मुझे लगता है उससे भी यंगर वर्जन लिया जाएगा जो कि बेन अफ्लेक की एज का है और 35 के बीच के होंगे। बेसिकली रॉबर्ट पैटिनसन की जो एज होने वाली है उसी के अराउंड एक लेने वाले नया बैटमैन, लेकिन रॉबर्ट पैटिनसन आज बैटमैन नहीं आएंगे क्योंकि उनका यूनिवर्स अलग है, वो एल्सवर्ल्ड के पार्ट है। तो ब्रेव एंड द बोल्ड के बारे में डिस्कस नहीं करते। सुपरमैन लेगेसी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए लेक्स लूथर तो ऑब्वियसली विलन हो गई होगा, हो सकता है कि निकोलस होल्ट शायद लेक्स लूथर का रोल प्ले कर ले, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जो मेन विलन होने वाले हैं वो है ऑब्वियसली ब्रेनियाक। ब्रेनियाक पहले से डिस्कशन चला था, जैक स्नाइडर ने कई बार बताया भी था कि अगर वो मैन ऑफ स्टील 2 बनाते तो ब्रेनियाक होता उस मूवी का विलन, बट अनफॉर्चुनेटली मैन ऑफ स्टील 2 कभी बन नहीं पाई, सुपरमैन लेगेसी हमको देखने मिल गया। एंड देखिए जितना भी यहाँ पे फटीक चल रहा है सुपर हीरो फटीक, ये मुझे लगता है पर्सनली ये सुपरमैन लेगेसी के बाद ही चेंज होगा। अभी कमर्शियल सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवीज आने वाली डेडपूल 3 वगैरह भी आएंगी, बट स्टिल वो जो फटीग है ना, एक फ्रेशनेस हमको देखने के नहीं मिल रही है। ब्लू बीटल कैरेक्टर, डेडपूल 3 डेफिनेटली आने वाले मल्टीवर्स मूवी होगी, लोग पसंद करेंगे, वोल्वरीन आ रहे, बट स्टिल एक वो फ्रेशनेस, कुछ एक नयापन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है अभी एक DC का टाइम आने वाला जो कि अच्छा होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2025 से आफ्टर द रिलीज ऑफ सुपरमैन लेगेसी एक टाइम स्टार्ट होगा, नॉट जस्ट फॉर द DC बट फॉर मार्वल एज वेल। सुपर हीरो फटीक धीरे तब तक खत्म होने लगेगा और एक नया सुपर हीरो चार्म भी आ जाएगा जब तक। ऑल्सो सुपर लेगेसी में जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से अथॉरिटी का भी कुछ पोर्ट्रे होने वाले हैं कैरेक्टर का, मतलब वो मेन विलन नहीं होंगे लेकिन हो सकता है कि मूवी की शुरुआत ही कुछ ऐसे हो कि सुपरमैन यहाँ पे अथॉरिटी से लड़ रहे हैं, उसके बाद फिर आगे अथॉरिटी की मूवी, अथॉरिटी को उस टाइम होने वाले 3 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। प्लस इसमें हमको एक ओरिजिन स्टोरी देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे ऐसे समझ लीजिए फ्लैश मूवी थी वो एक ओरिजिन स्टोरी नहीं थी फ्लैश मूवी की, उसमें भी हमको काइंड ऑफ पता चला कि फ्लैश को कैसे पावर्स मिली थी जब वो बैरी 2 पे एक्सपेरिमेंट करता है। तो सिमिलरली हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैशबैक में या फिर थ्रू वर्ड्स हमको पता चले कि सुपरमैन का ओरिजिन क्या है। वैसे हम ऑलरेडी जानते हैं मैन ऑफ स्टील ज़्यादा पुरानी मूवी भी नहीं है, तो नयापन लेके आने की ओरिजिन स्टोरी दिखाने की जरूरत नहीं थी, दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। ऑल्सो यहाँ पे सुपरमैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि अपने लेट 20s या अर्ली 30s में, वो काफ़ी यंग कैरेक्टर है और अपनी लाइफ को एज क्लार्क कैंट एज सुपरमैन डील कर रहे हैं। ऑल्सो ये मूवी इतनी डार्क नहीं होने वाली जितनी मैन ऑफ स्टील थी, ये थोड़ी एक लाइटर टोन पे होगी, ये कुछ वैसी प्ले करेगी जैसे बैटमैन बिगिंस, एक डार्क मूवी और कंपेरेटिवली लाइट इन कंपेरिजन टू द बैटमैन। जैसे द बैटमैन काफी डार्क मूवी थी, बैटमैन बिगिंस एक डार्क मूवी है पर उतनी भी डार्क नहीं है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे बीच का एक रास्ता अपनाएगी, ग्रे एरिया अपनाएगी सुपरमैन लेगेसी।
जो कि लाइटर टोन पे होगी। और यहाँ पे सुपरमैन को देख के जैसे जेम्स का ने बताया था कि सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर होने वाला है जिसको देख आपको उसका हक करने का मन करेगा, बहुत प्यारा इंसान दिखाया जाएगा, काफी स्वीट इनोसेंट ह्यूमन, नॉट ह्यूमन बट एक एलियन जिससे आप काफी ज्यादा प्यार करते हैं। सुपरमैन ऐसे कैरेक्टर होने वाले हैं। एंड यस, इस मूवी में फाइट सीन्स भी होंगे। एंड इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेम्स गन। देखिए जेम्स गन जो पास्ट रिकॉर्ड है वो हमेशा काफी अच्छा रहा है। जेम्स गन ने जितनी मूवीज बनाई है, अब तीनों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बात कर लीजिए, तीनों अच्छी थी, थर्ड ने तो बहुत ज्यादा कमाल किया। उसी के साथ साथ उन्होंने द सुसाइड स्क्वाड बनाई, वो खुद एक कॉमिक बुक फैन है, उन्होंने बहुत बढ़िया मूवी बनाई थी। एंड आई एम श्योर सिंस वो डीसी के अब चार्ज बन चुके हैं, चार्ज बन चुके हैं एंड यहाँ पे इस मूवी को लेकर जा रहे हैं, डीसी की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम 100% श्योर कि वो अपना बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट देने वाले हैं। ऐसे सुपरमैन लेगेसी डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरोज, एनी मूवी पसंद आने वाले लोगों को। सो खैर गाइस, ये मेरे ओपिनियन से, आई होप आपके ओपिनियन कुछ मिलते जुलते हों मुझसे, बट डेफिनेटली आपके जो भी कुछ ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड क्या आप कास्टिंग से खुश हैं ये भी जाकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यहाँ पे मेरा यूजर नेम लिखवा रहा है इंस्टाग्राम ट्विटर पे, फॉलो कर लेना। मिलता सभी से अगली वीडियो में, ख्याल रखना, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। या बेन अफ्लेक वाले बैटमैन का जो सूट था काफ़ी अच्छा था, इस बार जो बैटमैन बनेगा उसका सूट कैसा होगा? आई रियली होप कॉमिक एक्यूरेट हो, ग्रे एंड ब्लैक कलर का, मजा आएगा। You wanna be my vision?